नमस्कार सभी साथियों को साथियों पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो देखिएगा प्रश्न नंबर एक है एनसीएफ 2005 को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था एस आई आर टी एन सी आर टी एन सी टी ई आर टी तो देखो एन सी एफ दो हजार नेशनल राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा दो हजार पांच को प्रकाशित करने वाली संस्था का नाम आपको यहाँ पर बताना है तो पहला जो क्वेश्चन है इसका जो सही उत्तर है वो मैं आपको बताता हूँ साथियों दूसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही है एनसीआर के द्वारा ही एनसीएफ दो को प्रकाशित किया गया था मतलब यहाँ पर विकल्प नंबर आपका दो सही रहेगा नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर दो पर तो दूसरा क्वेश्चन है आपके रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति आपको इन विक, जो विकल्प दे रखे हैं उसमें से सही विकल्प चुनकर करनी है बुद्धि लब्धि वाला बच्चा मंद बुद्धि माना जाता है सत्तर से ऊपर अस्सी से ऊपर नब्बे से नीचे सत्तर से नीचे तो देखिएगा जो बालक यहाँ पर रिक्त स्थान में आपको बताना है कि इनमें से किस बुद्धि लब्धि वाले बालक को हम मंद बुद्धि बालक मानेंगे तो साथियों राइट आंसर रहेगा एक बार आप बता दीजिए सोच लीजिए इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ तो देखिएगा इसका जो सही उत्तर है वो रहेगा सत्तर से नीचे वाला जो बच्चा है उसको मंदबुद्धि तो एक सौ पचास भी होता है तो यह आंसर नहीं रहेगा नब्बे से नीचे वाले में पिचासी वाले को पिछड़ा माना जाता है मंदबुद्धि नहीं तो यह भी गलत हो गया अस्सी से ऊपर भी कितना ही भी हो सकता है इसलिए ओनली विकल्प नंबर चार ही आपका इसमें सही रहेगा प्रश्न संख्या दो में नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर तीन पर तो तीसरा क्वेश्चन है इनमें से कौन सा शब्द निकट दृष्टि दोष को दर्शाता है अपवर्तन परावर्तन मायोपिया और इनमें से कोई भी नहीं तो देखिएगा निकट दृष्टि दोष के लिए जो यहाँ पर शब्द है वो है साथियों मायोपिया मायोपिया उम्र बढ़ने के साथ साथ जो हमारा रेटिना होता है इसकी साइज बढ़ती जाती है जिससे हमें निकट दृष्टि दोष संबंधी चीज हमारे आंखों में हो जाती है साथियों तो विकल्प आपका तीन सही रहेगा प्रश्न चार चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे आपके प्रश्न संख्या चार है बहुबुद्धि का सिद्धांत सर्वप्रथम थोंडाइक ने अपने किस पुस्तक में दिया था प्रैक्टिस ऑफ माइंड फ्रेम ऑफ माइंड आर्टिफिशियल माइंड और माइंड ऑफ सुपर देखो थोंडाइक ने एक सिद्धांत दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत तो साथियों बहुबुद्धि का सिद्धांत इन्होंने जो सॉरी थोंडाइक ने किया बहुबुद्धि का सिद्धांत तो गार्डनर के द्वारा दिया गया था गार्डनर के द्वारा दिया गया था तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक है यहाँ पर देखिएगा पहली चीज तो थोंडाइक ने नहीं दिया था बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था साथियों तो यहाँ पर देखो हार्वर्ड गार्डनर ने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था वो फ्रेम ऑफ माइंड नामक पुस्तक में दिया था तो दूसरा विकल्प आपके चौथे क्वेश्चन में सही है नेक्स्ट ये प्रश्न प्रश्न संख्या पांच पे आते हैं तो चलिए पांचवा इनमें से किसने संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन करके चार अवस्थाओं का प्रतिपादन किया सिगमन फ्रायड लोरेंस कोहलबर्ग वाई और जेन पियाजे तो देखो संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन करने वाले सबसे पहली चीज तो आपको ये देखना है इन चारों में से कौन है और इसके बाद में भी चार अवस्थाओं का प्रतिपादन किया तो चार अवस्थाओं का प्रतिपादन संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे के द्वारा किया गया और ये जो चार अवस्थाओं का प्रतिपादन किया था इनके तीन बच्चों पर अध्ययन करके इन चार अवस्थाओं का इन्होंने प्रतिपादन किया था किसने जीन पियाजे ने कौन कौन सी अवस्थाएं थी साथियों संवेदी पेशी अवस्था थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था थी ठीक है ये चार अवस्था इन्होंने बताई थी तो आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या छह की ओर छठा क्वेश्चन देखते हैं श्याम प्रत्येक वस्तु को उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है यह उदाहरण है अपसारी चिंतन का अभिसारी चिंतन का स्वली चिंतन का और आलोचनात्मक चिंतन का तो प्रत्येक वस्तु को गुण दोष देख रहा है उसके बाद में वो खरीद रहे हैं तो साथियों जिसमें जिस चिंतन में गुण दोष को देखा जाता है वो न तो अपसारी कहलाता है न अभिसारी न स्वली उसको हम आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं चौथा विकल्प सही है स्वैली चिंतन काल्पनिक होता है अपसारी चिंतन सृजनात्मक होता है अभिसारी चिंतन बुद्धि आधारित तो होता है तो विकल्प नंबर आपका चार सही है प्रश्न नंबर छह में जहाँ गुण दोषों को देखा जाएगा वो आलोचनात्मक चिंतन कहलाएगा नेक्स्ट प्रश्न संख्या सात पे आएंगे तो सातवा प्रश्न इनमें से कौन सा कथन असत्य है वृद्धि व्यक्ति के शारीरिक पक्ष में परिवर्तन है विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है वृद्धि व्यक्ति का कार्यात्मक पक्ष है और विकास एक सतत प्रगतिशील प्रक्रिया है तो देखो असत्य कथन की अगर हम बात करें तो वृद्धि शारीरिक पक्ष ही कहलाता है साथ ही शारीरिक पक्ष में जो परिवर्तन होता है उसे हम वृद्धि कहते हैं विकास सार्थक वृद्धि के अभाव में भी संभव है बिल्कुल सही बात है भले ही कम वृद्धि हो लेकिन कम लंबाई चौड़ाई होने के बावजूद भी विकास तो हो सकता है ये भी सही है वृद्धि व्यक्ति का कार्यात्मक पक्ष है जी नहीं वृद्धि व्यक्ति का कार्यात्मक पक्ष नहीं है साथियों वृद्धि यहाँ पर व्यक्ति का कार्यात्मक पक्ष नहीं है बल्कि संरचनात्मक पक्ष है यहाँ पर तो तीसरा विकल्प आपका सातवें क्वेश्चन में असत्य कथन है और यही आंसर है, है बाकी विकास एक सतत प्रगतिशील प्रक्रिया भी है तो थर्ड विकल्प आपके सातवें क्वेश्चन में सही रहेगा नेक्स्ट प्रश्न संख्या आठ पे आएंगे ठीक है आठवा क्वेश्चन के अनुसार किस अवस्था में बालक को मलत्याग की क्रिया में तनाव से मुक्ति और खुशी मिलती है मुख्य अवस्था गुदी अवस्था लैंगिक अवस्था और सुषुप्त अवस्था तो मलत्याग की क्रिया में तनाव से मुक्ति और खुशी मिल रही है मतलब मल मूत्र त्याग से उसे एक तरह से उसकी काम वासना की पूर्ति हो रही है साथियों तो सिगमंड फ्रायड ने जो अपना सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत में मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत इनका था उसमें इन्होंने जो गुदी अवस्था पांच अवस्थाएं बताई थी उसमें जो गुदी अवस्था थी उसमें यह विशेषता होती है तो दूसरा विकल्प आपके आठवें क्वेश्चन में सही है नेक्स्ट प्रश्न संख्या नौ पे आएंगे नौवा क्वेश्चन देखेंगे ये देखिए नौवे क्वेश्चन को पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी अस्तित्व में है यह अवस्था कहलाती है संवेदी गामक अवस्था प्राक संक्रियात्मक अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तो देखो कोई वस्तु नहीं दिखाई दे रही है फिर भी अस्तित्व में इस चीज से क्या होता है अनभिज्ञ होता है मतलब इसकी जानकारी उसको नहीं होती है तो मतलब एक तरह से वस्तु स्तित्व तो की हम वस्तु वस्तुस्तित्व उसको कह सकते हैं तो वस्तु है का अभाव पाया जाता है संवेदी गामक अवस्था में शुरुआत में मतलब यही आपका आंसर है प्रथम अवस्था है जो कि जीन पियाजे की जीरो से दो वर्ष के मध्य यह अवस्था चलती है साथियों

तर्कना के नाम से जाना जाता है, तो चौथा विकल्प आपके है, तो है। बच्चों द्वारा प्रश्न का सही उत्तर देने पर उनको टोपी देना किस प्रकार के अधिगम सिद्धांत से संबंधित है प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत अंतर अधिगम का सिद्धांत और प्रेक्षणात्मक अधिगम का सिद्धांत तो उत्तर देने पर सही प्रश्न का सही उत्तर देने पर हम उनको टोपी दे रहे हैं तो टोपी किसका कार्य करेगी पुनर्बलन का कार्य करेगी और जहां पर पुनर्बलन का कार्य किया जाता है सीखने के लिए तो साथियों उस पर बल दिया जाता है क्रिया अनुबंधन का सिद्धांत जो कि स्किनर का है उनके सिद्धांत में तो विकल्प नंबर फिर आपका दो सही हो जाता है ग्यारहवें क्वेश्चन में नेक्स्ट प्रश्न संख्या बारह पे आएंगे बारहवा क्वेश्चन है वेदता से तात्पर्य है या वेदता का तात्पर्य किससे है बार बार मापने पर भी व्यक्ति के प्राप्त में कोई परिवर्तन नहीं आना परीक्षण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है व्यवहार क्यों कर रहा है इस बात की पुष्टि करना और इनमें से सभी तो भाई वैधता का जो सही आंसर होता है साथियों हो वैधता का मतलब क्या होता है कि जिस परीक्षण को हमने जिस उद्देश्य से बनाया है यदि उसको उस, उस उद्देश्य की पूर्ति करता है मतलब परीक्षण वही माप रहा है जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है तो हम उसको एक वेद परीक्षण कहेंगे विकल्प नंबर आपका दो सही है बारहवीं क्वेश्चन में नेक्स्ट प्रश्न नंबर तेरा प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है साम्य धारण आत्मसात्ण संगठन और समायोजन तो प्रचलित योजना मतलब वर्तमान में जो हमारी जानकारी है उसमें यदि हम नई जानकारी को जोड़ते हैं तो साथियों इसको आत्मसातकरण कहा जाता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम लेवल का क्वेश्चन है आने के बहुत ज्यादा चांसेज विकल्प नंबर आपका दो सही है प्रश्न नंबर तेरह में नेक्स्ट प्रश्न संख्या चौदह पे आएंगे चौदहवा प्रश्न है रोडशही परीक्षण निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाता है व्यवहारात्मक विश्लेषण प्रक्षेपी तकनीक स्वयं मापक और स्थिति परक परीक्षण तो देखो परीक्षण हरबन के द्वारा दिया गया है जिसमें व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है और जिसमें अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है वो प्रक्षेपी तकनीक या प्रक्षेपी परीक्षण कहलाता है साथियों दूसरा विकल्प आपके चौदहवें क्वेश्चन में सही है नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या पंद्रह पे आते हैं तो पंद्रवा क्वेश्चन है विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है अर्थात यह निरंतर चलती रहती है सभी व्यक्तियों का विकास अपने तरीके से होता है सभी व्यक्तियों का विकास एक सुव्यवस्थित क्रम में होता है और विकास वंशानुक्रम वातावरण की अंत्यक्रिया का परिणाम है तो भाई लॉजिकल क्वेश्चन है क्यों है लॉजिकल क्वेश्चन क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो लाइन दी गई है उसके आधार पर आपको आंसर देना है तो विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है 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 तो मतलब पर है, मतलब व्यक्तिगत प्रक्रिया सभी का विकास अपने अपने तरीके से होता है। साथियों इसलिए पर जो विकल्प दो है ये सबसे सटीक आंसर है इसका भाई ये सारी चीजें सही है गलत नहीं है लेकिन ऊपर जो लाइन दी हुई है उसके आधार पर हम देखें तो विकल्प दो ही आपका सही आंसर होगा तो पंद्रह क्वेश्चन में दूसरा विकल्प आपका सही रहेगा नेक्स्ट प्रश्न नंबर सोलह पे आएंगे सोलह क्वेश्चन है बीज कोश की निरंतरता का नियम कहता है कि बालक को जन्म देने वाला बीज कोश कभी नष्ट नहीं होता जैसे माता पिता होते हैं वैसे उनकी संतान होती है बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर कुछ भिन्न होता है और इनमें से सभी तो बीज कोश की निरंतरता का मतलब बीज जो बीच कोश है वो निरंतर चलता रहता है यही है भाई इसके आधार पे तो तो इसका मतलब ये है कि विकल्प नंबर जो एक किरा बालक को जन्म देने वाला बीच कोष कभी नष्ट नहीं होता है यही बीच कोष की निरंतरता का नियम है ये बीच कोष निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता रहता है साथियों विकल्प एक सही है सोलवे क्वेश्चन में नेक्स्ट प्रश्न नंबर सत्रह पे आएंगे तो सत्रवा क्वेश्चन फ्राइड के अनुसार मनोविश्लेषण में सबसे कम भूमिका होती है अचेतनता की पूर्व चेतनता की चेतनता की और इनमें से सभी की तो भाई आप सभी को पता होगा फ्राइड ने अचेतन मन की भूमिका नौ बटे दस बताई है साथियों ठीक है मतलब अचेतन की सबसे ज्यादा होती है और चेतनता की सबसे कम भूमिका इन्होंने बताई है मतलब चेतनता ज्यादा मायने नहीं रखती है जो बाहर से हमें दिखाई देता है विकल्प नंबर तीन सही है सत्रवे क्वेश्चन में नेक्स्ट प्रश्न संख्या अठारह पे आएंगे तो चलिए अठारवा क्वेश्चन देख लेते हैं माता से दंड मिलने पर बालक क्रोधित होकर अपना क्रोध अपने खिलौनों भाई पर निकालता है और, और बालक किस पर क्रोध में निकाल रहा है अपने खिलौनों पर या फिर अपने छोटे भाई बहनों पर जो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं तो जहां पर कमजोर पर अपना गुस्सा निकाला जाता है साथ ही उसको प्रतिस्थापन के नाम से जाना जाता है विकल्प एक सही है आपका प्रश्न संख्या अठारह में डिस्प्लेसमेंट भी आप इसको कह सकते हो ठीक है नेक्स्ट प्रश्न संख्या उन्नीस पे आते हैं तो निस्वा क्वेश्चन नकारात्मक संवेगों में सम्मिलित नहीं है आभार क्रोध भय और दुश्चिंता तो भाई यहाँ पर देखो क्रोध भी नकारात्मक है दुश्चिंता भी नकारात्मक है भय मतलब डर भी नकारात्मक है लेकिन आभार आभार एक सकारात्मक संवेग के साथ मतलब ये नकारात्मक संवेगों में सम्मिलित नहीं है तो आपका उत्तर एक जो है उन्नीसवा क्वेश्चन का वो बिल्कुल सही आंसर है नेक्स्ट प्रश्न संख्या बीस पे आएंगे बीसवा प्रश्न मैसलो के अनुसार सबसे अंत की आवश्यकता है सबसे अंत मतलब सबसे बाद वाली सुरक्षा आत्मसिद्धि शरीर क्रियात्मक और प्रेम तथा आत्मीयता तो देखो ए, सबसे पहले तो शरीर क्रियात्मक आती है फिर शरीर क्रियात्मक के बाद में यहाँ पर सुरक्षा की आती है फिर प्रेम सम्मान फिर सबसे अंत में आत्म सिद्धि तो विकल्प नंबर आपका दो सही है क्योंकि ये सबसे अंत की आवश्यकता है आत्मसिद्धि की बीसवें क्वेश्चन में दूसरा विकल्प सही है साथियों आज बीस ही प्रश्न करवा पाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है आज वीडियो बनाने का पूरा टाइम मुझे मिला नहीं साथियों बाकी क्वेश्चन तो पूरे ही तीस थे लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन अभी नहीं हो सकते हैं ठीक है ठीके? ये क्वेश्चन मैं कल कल करवा दूंगा आपको ठीक तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो को पूरे बीस मिनट तक मतलब पूरे बीस प्रश्न देखे बीस मिनट का वीडियो तो बना नहीं है खेल बहुत बहुत धन्यवाद साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में और गणित की जो क्लासे आई है उसके लिए हमें कमेंट करके बताइए अभी पहली क्लास डाली है गणित की जो हमारे जो मित्रजन है उनके द्वारा तो यहाँ पर उन्होंने जो प्रथम क्लास डाली है प्रतिशतता की उस क्लास के बारे में हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको वो क्लास कैसी लगी शुरुआत है धीरे धीरे दो पांच क्लासों बाद आप अपने कमेंट जरूर बताइएगा मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद सभी का